हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूँ वंदना गुप्ता और आज हम फिट तक पर आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर जाने वाले हैं जहाँ आप चिंता, एंजाइटी और स्ट्रेस से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे और साथ ही अपने आप से पहले से भी ज़्यादा जुड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ध्यान की ये अद्भुत यात्रा। ध्यान की शुरुआत से पहले आप सबसे पहले कंफर्टेबल क्रॉस लेगेड सिटिंग पोजीशन में बैठ जाइए। आप सुखासना में पद्मासना, अर्ध पद्मासना, सिद्धासना या फिर अर्ध सिद्धासना, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप वज्रासना में भी बैठ सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप जिस भी किसी कंडीशन में बैठेंगे या पोजीशन में बैठेंगे, आप वहाँ बहुत कंफर्टेबल हों, क्योंकि अगर आपके शरीर में कहीं भी कष्ट होगा मेडिटेशन के दौरान तो आपका सारा ध्यान उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर ही केंद्रित हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आपके लिए जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है वो लेकर बैठें। अगर आपको मैट पर या ज़मीन पर बैठने में कोई भी परेशानी है तो आप ये ध्यान चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी जो हेड नेक ट्रंक है वो इन वन लाइन होनी चाहिए, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर, तीनों चीज़ एकदम एक सीध में होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरह से ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते, आपकी बैक में कोई परेशानी होने लगती है या दर्द होने लगता है या आप इस तरह से कोलैप्स हो जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप किसी तरह का मेडिटेशन कुशन या फिर इस तरह का ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह ब्लॉक्स या रोलिंग मैट पर बैठा जा सकता है। तो इस तरह का एक ब्लॉक अपनी सिट बोन के अंदर आप उस पर रखकर बैठ सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आप अपनी सिट बोन के अंदर किसी भी तरह का सपोर्ट रखते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी पहले तो एकदम सीधी हो जाती है और आप बहुत कंफर्टेबली लंबे समय के लिए इस पोजीशन में बैठ पाते हैं। अगर हम इसका यूज़ नहीं करते हैं और इस तरह से बैठते हैं तो कभी कभी थोड़ी देर के बाद हमारी बैक हर्ट करने लगती है और हमारा ध्यान अपने आप ही शिफ्ट हो जाता है हमारी बैक की तरफ और हम धीरे धीरे कुछ इस तरह से हो जाते हैं। आपके जो हाथों की हथेलियाँ हैं उनको घुटनों पर सॉफ्टली रख देंगे, हाथों की हथेलियाँ ऊपर की तरफ फेस करते हुए, आँखों को सॉफ्टली बंद कर लेंगे और आपकी सांस जो है अपना सारा ध्यान अपनी ब्रेथ पर रखेंगे। आप अपने हाथों की मुद्रा भी बना सकते हैं, ध्यान मुद्रा, और अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ ऐसे ही कंफर्टेबल हैं तो आपके हथेलियों को ऊपर की तरफ रख के आप ऐसे ही बैठे रहें। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपनी श्वास पे केंद्रित करते हुए सिर्फ अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करें। आपकी ब्रेथ का फ्लो कैसा है, किस तरह आप इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए फील कर रहे हैं। आपकी जो ब्रेथ है वो आपकी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी के बीच में ब्रिज की तरह काम करती है। अपने सांस को देखते हुए बिना किसी मैनिपुलेशन के धीरे धीरे अपने इंटरनल बॉडी की तरफ ध्यान रखिए।
एक लंबा गहरा सांस भरिए, होल्ड कीजिए और बहुत धीरे से एक्सहेल कीजिए। हम कुछ राउंड योगिक ब्रेथ के प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपका माइंड और भी ज़्यादा काम होता जाएगा। डीप इन्हेलेशन, होल्ड कीजिए और बहुत धीरे से एक्सहेल। Inhale for 4, 3, 2, 1. 8 seconds के लिए hold कीजिए. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एंड एक्सहेल कीजिए जितना लंबा आप एक्सहेल कर सकते हैं। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हुए वापस आपकी नॉर्मल ब्रेथ की तरफ आ जाएंगे। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। आपके कंधे, हाथ, पैर, फेशियल मसल्स, आपका पूरा शरीर एकदम लूज है। ऑब्जर्व कीजिए सांसों की गति एकदम मध्यम हो चुकी है। आपका मस्तिष्क पूरी तरह से एकाग्र है। और आप अपने ट्रू नेचर की तरफ, जो कि ब्लिस है, अग्रसर हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर से अपने सर के बीच में लेकर जाइए, जहाँ आपका क्राउन चक्रा है, और महसूस कीजिए कि वहाँ से एक ब्राइट लाइट आपके शरीर में एंटर कर रही है। और वो धीरे धीरे आपके सारे शरीर में फैलती जा रही है। आपके मस्तिष्क से होते हुए आँखों की तरफ, नाक, आपके गाल, गर्दन और कंधों तक वो ब्राइट लाइट धीरे धीरे फैल रही है। आपके हाथों में, धड़ में, सारे इंटरनल ऑर्गन्स में, हिप जॉइंट से होते हुए पैरों की तरफ,
नी जॉइंट से होते हुए एंकल्स और पैरों की उंगलियों तक, वो ब्राइट लाइट आपके सारे शरीर में फैल चुकी है। आपका शरीर पूरी तरह से शांत और मस्तिष्क पूरी तरह से एकाग्र हो चुका है। अगर किसी भी वजह से आपका मस्तिष्क यहाँ वहाँ भटकता है तो कोई बात नहीं, अपना सारा ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आइए। आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और हायर कॉन्शियसनेस अब एक हो रही है। आप पूरी तरह से अपनी चेतना से जुड़ चुके हैं। डिवाइन लाइट आपके सारे शरीर में फैल चुकी है। और आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपका सारा शरीर, मस्तिष्क और ब्रेथ एकदम काम और शांत है। सांसों की लय धीमी, अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने आईब्राउ सेंटर पर लेकर आइए, यानी कि आपकी दोनों आईब्राउज के बीच में द सेंटर ऑफ द लाइट इज शाइनिंग ब्राइट देयर। कीप ऑन गोइंग विद इन। धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और अपने चेस्ट के सामने लाकर दोनों हथेलियों को परस्पर जोड़ दें। अपने हाथों की हथेलियों को धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मलें और फिर अपने चेहरे पर रख दें, अपनी आँखों को कवर कर लें। आँखों को बंद ही रखेंगे, हाथों को हटाकर अपने माथे को दोनों हाथों से ब्रश करें साइड टू साइड। आपके नाक के आसपास का जो एरिया है साइनसेस, वहाँ पर अपने उंगलियों को फेरें। अपने होठों पर
अपनी उंगलियों को साइड टू साइड फेरें। आपके जो कानों का भाग है आगे और पीछे, उस एरिया को भी मलें। धीरे से अपने ईयर लोब्स को पकड़ें और बहुत धीरे से बाहर की तरफ उन्हें खींचें। छोटी उंगली आपके कानों के अंदर डालकर स्क्रू करें। आपके गर्दन के पीछे के हिस्से को अपने दोनों हाथों से मलें। गर्दन के आगे हिस्से को भी। गिविंग प्राणा टू योर सेंसरी ऑर्गन। धीरे से अपने शरीर के आगे के हिस्से पर अपने हाथों को फेरें और उसी तरह पीछे की तरफ भी। अपने पैर और हाथों को भी धीरे से ब्रश करें। अपने दोनों हाथों को नमस्ते में जोड़कर हार्ट सेंटर पर रख लें और धीरे से आपकी चिन को आपके चेस्ट की तरफ लगा दें। और मेरे साथ दोहराएं, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम डिसिप्लिन, आई एम हैप्पी, I am blissful, I am bountiful, I am always smiling, I am healthy, and for everything what I am, I'm thankful to my higher consciousness. धीरे से अपना सर ऊपर की तरफ उठाएं, अपने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट रखें, हाथों को वापस अपने घुटनों पर सॉफ्टली रख देंगे और तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ। Inhale. धीरे से अपनी आँखों को ज़मीन की तरफ देखते हुए खोलेंगे और अगर आपको लगता है कि आप रेडी हैं तो धीरे से अपनी पलकों को सामने की तरफ उठाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपकी ये ध्यान की जर्नी मंगलमय रही होगी। मैं वंदना गुप्ता धन्यवाद करती हूँ आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए फिट तक। थैंक यू।